गुड मॉर्निंग फैन, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पर आपको बहुत स्वागत है दिल से। तो फैन, अभी मैं बाबा को छोड़ने आई हूँ, आज नहीं छोड़ने आई हूँ। ऐसे हस्बैंड आते थे कभी कभी, मैं आ जाती हूँ। तो मैं अभी बाबू को छोड़ने आई हूँ, और इधर देखिए बाबू की स्कूल बस आ गई उधर से। ये घर के पास ही है बस, रोड पे ही बस आती है। तो मैं वेट कर रही थी बस का, और बस आ चुकी है बाबू की। अभी देखिए रोड कितना खाली लग रहा है। अभी 9 बजते बजते इस रोड पे रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो बाबू चला गया है, देखिए बापू चला गया स्कूल। तो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ कपड़े धोकर आ गई हूँ मैं। अब मुझे करनी है रूम की सेटिंग, कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, अब मुझे रूम की सेटिंग करनी है। 11:30 हो गए शायद, हाँ 12:15 हो गए। तो मुझे बाबू के आने से पहले ही सारा काम करना पड़ेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, बस रूम को थोड़ा सा सेट करना है और पोछा लगाना है। तो मैं रूम सेट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर बाबू की वो मशीन पड़ी हुई है भाप लेने वाली, सब ऐसे ही फैला हुआ है सामान। तो अब मैं उसको रख दूँगी फाइनली, क्योंकि अब उसे मुझे उसको भाप देने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सुबह शाम दिया था मैंने। बाकी अब तो मैं विक्स वाला 2-3 मतलब 1-2 टाइम दे दूँगी मैं उसको, पानी गर्म करके बर्तन में विक्स डाल के, क्योंकि ज़्यादा उस टाइम हो गया था तो इसलिए मुझे मशीन निकालनी पड़ी। वैसे मैं मशीन को हमेशा अवॉइड करना चाहती हूँ, नहीं देना चाहती मशीन से मैं भाप, बट जब ज़्यादा हो जाता है, जब बर्दाश्त से फालतू हो जाता है, जब देखती हूँ कि अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं ले पा रहा है सांस, तब मुझे वो मशीन निकालनी पड़ती है मजबूरी में। तो ये हमारा मजबूरी है हमारी, नहीं तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे को अभी से इसकी आदत लगे, लेकिन अब तो उसकी आदत लग चुकी है इसकी। मतलब डॉक्टर दे देते थे, तो जब से उसकी बिल्कुल हैबिट सी हो गई है, तो मैं सच में बहुत परेशान हूँ इस वजह से, बट क्या करें। सबसे मजबूरी, जब सब कुछ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब समझ में नहीं आता उस टाइम हम क्या करें। तो लगता है किसी तरह से बस बच्चा ठीक हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने रात को 2 बार दिया उस मशीन से, 2 बार, हाँ सुबह शाम, सुबह 3 टाइम उससे भाप दिया मैंने। अभी 1 बार की दवाई पड़ी हुई है फ्रिज में, मैंने ऐसे रख रखा है। मैं थोड़ा सा रूम सेट करती हूँ, उसके बाद फिर बाबू आ जाएगा, फिर तो उसमें बिजी हो जाऊँगी। सेट हो चुका है, रूम वगैरह कर लिया मैंने। अब झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी, इसके बाद फिर नहाऊंगी। धोने थे मेरे को बाल भी, धुलने थे, लेकिन अब नहीं धोऊंगी बाल आज, कल मंगलवार है ना, कल ही धो लूंगी। हाँ तो मैं लगा लेती हूँ पोछा फटाफट से, उसके बाद फिर मिलती हूँ, फिर आपसे पोछा वोछा लगा लेती हूँ उसके बाद। इधर मैं आ गई हूँ नहा कर, और थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं तो ध्यान नहीं देती हूँ, बट नहाने के बाद थोड़ा सा स्किन रुखा रुखा सा होता है, तो आते ही मैं नहाने के बाद थोड़ी सी मैंने लगाई है यहाँ पर क्रीम और थोड़ा सा लोशन। बस यही होता है मेरा डेली का स्किन केयर, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और अब बालों में करूँगी कंघी, और बाल देख रहे हैं मेरे, मैंने बोला था धुलने हैं बाल,
तो झड़ नहीं रहे थे बाल, मैंने ज़्यादा झाड़ा भी नहीं। मेरे ठंड में ऐसे ही होता है, फटाफट से ऊपर से झाड़ के मैं लगा लूँ, जूड़ा बांध के क्लेशर लगा लेती हूँ। अब कल वॉश करूँगी, उसके बाद फिर तो सर्दियों में ना धुलने का मन नहीं करता, सूखने में टाइम लगता है बाल, और ठंड और लगती है, गीले बाल रहते हैं जब तक, और ठंड लगती है। तो फ्रेंड मैं नहा कर आ गई हूँ और बन रही है मेरी चाय भी। मैंने नहा कर आते ही मैंने पहले बाल बाल नहीं बनाया था, पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए, तो चाय मेरी बन जाएगी, मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद बाबू आएगा तो उसको लंच वगैरह करवाऊँगी, तो मैंने बताइए आपको। उसके बाद उसका होमवर्क वगैरह देखूँगी, मिल जाए यार एक दो 4-5 दिन की छुट्टियाँ, थोड़ी बच्चों को भी पता है, जैसे हम तो बड़े हैं, हमें तो ठंड लगती है, तो बच्चों को भी तो अब कितनी ठंड लगती होगी, सुबह सुबह स्कूल जाना। सच मेरा मन नहीं करता बाबू को जगाने का, बट उसको इतनी ठंडी में दे देनी चाहिए थी, बट नहीं है छुट्टी। मैं जा रही हूँ चाय पीने, चाय पीने के बाद फिर मिलती हूँ आपको, तो आपसे थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कब टाइम मिलता है, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। एक बताओ और फिर मैं कहना, जो मेरे चैनल पर नए हैं या तो पहले से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और जिन उन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और जो भी मेरी वीडियो में कमी है, मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि हाँ मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो फिर मैं उसको और अच्छा इम्प्रूव आगे करने की कोशिश करूँगी। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ सबसे कि आप लोग बताया करिए, ताकि मुझे पता चले मेरे अंदर, मुझे पता मतलब वो तो मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, बट अगर आप लोग सामने से नहीं बताएंगे तो फिर मुझे, मैं उस कमी को दूर नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड जरूर करके बताइएगा, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। तो गाइस हमारा लंच हो गया, लंच कर लिया मैंने, मैं पापा को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। तो मैं ये पालक लेकर आई थी, देखिए 3-4 दिन हो गए, बहुत ताज़ा पालक था ये, बहुत ताज़ी थी, बहुत हरी हरी पत्तियाँ थी, काफ़ी अच्छे थे देखने में, बट अब देखिए थोड़ा सा ख़राब नहीं हुआ, बट इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी मुरझा गई है, देख रहे हैं आप। तो कुछ कुछ सब्जी ऐसी बन गई, तो पालक का कुछ बनाया नहीं मैंने, अब सुन देखती हूँ क्या बनाती हूँ उस पालक का, क्योंकि पालक भी अब थोड़ा सा ही लग रहा है, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद फिर दिमाग लगाऊंगी क्या बनाना है, समझूंगी इसके बाद कि साफ़ करके धो के रख दूंगी, खराब हो जाएगा। और हाँ मैं ये पालक के बारे में बता रही थी, शायद पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी, इस टाइप की पालक है ये। एक तो वह गोल पत्ती, गोल ऐसे करके पत्ती आती है वो होती है, और ये कटिंग वाली पत्ती है, सो देसी पालक बोलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम लेकर, तो मैं इस बार फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ देखने के लिए, सब बोलते हैं देसी पालक ही, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कभी खाया है ऐसा पालक, आप लोग की तरफ भी होता है ये पालक। हमारे यहाँ पर तो मिल बहुत दिन से रहा था, बट मैं लेकर फर्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले मैंने बनाया नहीं है। तो चलिए देखती हूँ, इसको साफ ऑफ कर लेती हूँ मैं, और इधर बाबू मेरा पढ़ रहा है, मैंने इसको भी पढ़ने के लिए बिठा दिया यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ, इसलिए मैं इस यहीं पे लेके बैठी हूँ बेड पे ही, कि ताकि मैं इसको भी देख लूँ कि ये पढ़ रहा है, और फिर मैं इधर काम भी कर लूँ।
एक घंटा सो गई, मैं एक घंटे के लिए सो गई आज। तो अभी उठी हूँ और उठ के देखा तो बज रहे हैं 5, मुझे बनाना है। तो अभी मैं आई हूँ छत पे पालक को धोने के लिए, और मेरा चश्मा मैंने यहीं पे छोड़ दिया था, नहाने गई थी, चश्मा यहीं छोड़ दिया था मैंने। तो मैं छत पे आई हूँ कपड़े उठाने, जो कपड़े मेरे सूखे हैं, पता नहीं सूखे हैं गीले हैं, क्योंकि मौसम तो ऐसा ही हो रखा है, सूखे नहीं होंगे आई थिंक, मुझे नहीं लगता कपड़े सूखे हैं, क्योंकि एक दिन में कहाँ सूख रहे हैं आजकल कपड़े, देख रहे हैं मौसम, धुंध अभी से हो रखी है आप देखिए। सूखा नहीं है अब ये देखो, इसकी तो सच में हद है। मैंने इसको बोला था, मैं छत पे गई, मैंने बोला था टेबल लिख लो, और ये देखिए क्या हो रहा है इधर। मतलब मैं अभी बिस्तर सही करूँगी, सारे सामान इधर उधर कर रखा रहेगा, मैं सबको सर सेट करके रखूँगी, 2 मिनट के बाद सारा जितना भी सामान है इसका खेलने का फालतू वालतू जितने भी है सारा बेड पे मिलेगा मुझे 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर मैं पालक को काट रही हूँ, कट चुका मेरा पालक, थोड़ा सा रह गया है, लास्ट काट रही हूँ, और मैं मोटा मोटा ही रफली काट रही हूँ, देख सकते हैं आप, मैं बारीक नहीं काट रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे छोंकना है, बस इसको भुजिया टाइप बनाना है। समझ में नहीं आ रहा तो मैं सोच रही हूँ कुछ नहीं तो बस मैं साग को छोंक लेती हूँ सिंपल सा, इतने से पालक की भुजिया कह लीजिए इसको, सिंपल सी बिना मसाले वाली। मैं वही जब तक डिसाइड करूँगी क्या डिनर बनाना है, जब तक कि पालक बना देती हूँ, उसके बाद सोचूँगी दाल चावल बना लूँगी शायद, दाल चावल और साथ में कोई भुजिया चाहे सब्जी बना लूँगी, तो चाय बाद में बनाऊँगी, पहले इस काम कर लेती हूँ। देखिए साग मैंने यहाँ पर छोंक दिया है, और नमक हल्दी डालकर इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए, फिर इसको उसका पानी बिल्कुल सूख जाए। और मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ, तो आप लोग भी चाय पीजिए, और अभी शाम का टाइम हो रखा है। तो फ्रेंड मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज है मंडे, तो मंडे का वीडियो मेरा पहुँचेगा आप लोग के पास ट्यूसडे को। तो फ्रेंड मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने, और अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही आप लोग बनाए रखिएगा, प्यार आशीर्वाद, बहुत अच्छा लगता है आप लोग वीडियो वॉच करते कमेंट करते, सच में दिल से मैं सब सारे फ्रेंडों का दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, जो कि मेरे अच्छे अच्छे कमेंट दिखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।